अभी जो है मैं जा रहा हूँ बोरिंग की ओर, क्योंकि बोरिंग पे जाना इसलिए जरूरी रहता है क्योंकि बोरिंग पे नहीं जाएंगे तो ये गांव का इलाका है और गांव में ज्यादातर चोर लोग घूमते रहते हैं और ज्यादातर मेरे खेत साइड जो है सबसे ज्यादा बोरिंग का जो मोटर का चोर होता है वो लोग आते हैं। तो चलिए चलते हैं बोरिंग की ओर। मैं जो हूँ एक छोटा सा किसान हूँ और ज्यादा बड़ा नहीं हूँ, तो अपना डेली लाइफ में मैं जो खेती के बारे में ब्लॉग बनाता हूँ। अगर आप सभी को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा कि किसान को कोई सपोर्ट करता नहीं है, आपको भी पता है, और किसान का क्या इनकम है क्या नहीं, पा हुआ नहीं है। और एक चीज तो जरूर है कि मेरे घर का ही अनाज किसी ना किसी के घर के पास जरूर जाता होगा, इस कारण से एक लाइक और तो जरूर बनता है। और आप अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं बोरिंग की ओर और दिखाते हैं आपको बोरिंग, पीछे का व्यू का मजा लीजिए कि नेचर का फील और जो गांव में अच्छा होता है वो शहर में कहां मिलता है, ये सब चीज देखने को। जस्ट पीछे आप जो बाउंड्री देख रहे हैं वो एयरफोर्स का बाउंड्री है, दीवाल है, और मेरे खेत के पास ही ये दीवार बना। तो चलिए चलते हैं बोरिंग की ओर और देखिए बोरिंग की ओर जाने के टाइम पे ही खेत में दो लोग घास कबाड़ते हुए पकड़े गए हैं। तो चलिए उनसे पूछते हैं कि खेत में क्यों हल्के नुकसान कर रहे हैं और देखते हैं वो कौन है। और खेत में क्योंकि इस तेलहन में ज्यादा घना नहीं है, छेहर है तो, और घास भी था तो घास देखिए ये लोग कबाड़ के और पेड़ को है जो तोड़ भी देते हैं। तो चलिए चल के पूछते हैं कि क्यों खेत में घास कबार रहे हैं। और ये देखिए पूरा ज्यादा घास हो गया इसमें, और ये रहा सरसों का फूल, और ये लोग देखिए इस खेत से इतना जो है घास कबार कबार के और पूरा सरसों का खेत धांग के और तोड़ देते हैं। और तो चलिए इनसे पूछते हैं कि क्यों खेत में हिले हुए हैं। क्या जी क्या खेत में हिले हुए हैं, किससे पूछ के हिले हैं? घास कबार रहे हैं, क्यों कबार रहे हैं? सरसों टूटेगा तो अब दीजिएगा क्यों? कह जी आप काहे कबार रहे हैं खेत में हिल के, बोलिए काहे कबार रहे हैं, बोल काहे नहीं रहे। और देखिए ये लोग इतना इतना घास कबार के और पूरा सरसों का खेत नुकसान। खेत साइड आया था तो देखा कि उधर पूरा सरसों के खेत में हिल हिल के वो लोग घास कबार रहे और पूरा तेलहन को बर्बाद कर रहे। देखिए जूम करके दिखा रहा हूँ, तो अभी मैं चलता हूँ उधर और दिखाता हूँ कि कौन है वहां जाके और पूरे खेत को बर्बाद कर। उस चीज को कोई नुकसान करेगा तो आप भी समझ सकते हैं कि क्या होगा, वो घास कबारने के चक्कर में तिलहन को बर्बाद कर देते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि वो लोग कितना तिलहन बर्बाद किए हैं। देखिए ये सब छोटा छोटा बच्चा जो है पूरा खेत में हिला हुआ था। क्या जी क्या खेत में घास कबार रहा था, सरसों बर्बाद होगा तो? हाँ इधर देखो नहीं था तो तुम तेलन मेरा पूरा बर्बाद कर दोगे? नहीं, किनारे किनारे कबार रहा है। क्या जी ये लड़का पूछ रहा है कुछ, बताओ जल्दी, तुम्हारा घर कहाँ हुआ? कोरर है। तुम क्या खेत में हिल के कबार रहा था? बकरी को खाने के लिए। तो मैं पूरा तिलहन बर्बाद कर दिया ना, कौन देगा? तिलहन के खेत में हेल के घास नहीं कबाना, समझा? सुनाई दिया जी, कबारोगे आज से? आज से कबारोगे? बोलो कबारोगे? नहीं। तुम कबारोगे? नहीं। ए तुम कबारोगी? तो फिर कबार रही हो, चलो लिख लो उसमें से। तुम दोनों कहाँ भागा था जी, तुम दोनों काहे भागा था? मारेगा तो हम तुमको मार रहे हैं? नहीं। खेत में क्या कर रहा था तुम? घास कर रहा था। इधर देखो पहले घास काहे कबार रहा था? बकरी के लिए। पढ़ना नहीं है तुमको? हा? पढ़ना नहीं है? पढ़ने जाते हैं सरकारी में। सरकारी में पढ़ता है? कहाँ पे सरकारी में पढ़ता है? ऊपरटी पढ़ता है। तुम भी जी? हाँ। तो पढ़ता है तो फिर घास काहे कबारता, पढ़ना ना चाहिए? बकरी के लिए, खाने के लिए। बकरी के खाने के लिए। इसी कारण से हर रोज खेत को मुझे घूमना पड़ता है क्योंकि नहीं
घूमते हैं तो देखते हैं। अभी दिखाए हैं हम कि उधर भी सरसों के खेत में बहुत सारे लोग घुस के और घास कबार रहे थे, जिससे सरसों का पेड़ पूरा टूट जा रहा था और नुकसान हो रहा था। और इधर भी मैं आया तो दिखाया आपको, क्योंकि इधर वाला भी खेत में और वो लोग सब छोटा छोटा बच्चा था, तो वो लोग को हम कुछ बोलने नहीं गया, मगर बुरा लगा कि क्योंकि इतना छोटा छोटा बच्चा को से तो काम नहीं कराना चाहिए। अब चलते हैं बोरिंग की ओर और बोरिंग पे जाकर देखते हैं कि बोरिंग सही है या नहीं है, क्योंकि बोरिंग पे के साइड गए हुए हमको 2 से 3 दिन हो चुका है। और सबसे ज्यादा डर इस बात का बोरिंग का लगा रहता है, क्योंकि मेरा जो बोरिंग है वो चारों तरफ घर से बना हुआ नहीं है, वो डब्बे में है। डब्बा में एक लोहे का डब्बा बनाया हुआ है, उसी से वो ढका हुआ है। और गांव के साइड आपको पता ही होगा कि गांव के साइड ज्यादातर चोर वोर घूमते रहते हैं, और किससे 2 साल पहले ही मेरा मोटर भी चोरी हो गया था। तार पहुंच चुका है, देखिए आज भी मेरा जो लाइन का तार है वो इस खंभे से होकर आप देख सकते हैं, एक खंभा वहां है, एक खंभा यहाँ है, एक खंभा यहाँ है और एक खंभा यहाँ है, और खंभे पे ही टांग के हम आज भी हम लोग लाइन लाते हैं। इस खंभे का रिक्स भी रहता है, मगर क्या करे, हर रोज कोई ना कोई इस खंभे को तोड़ देता है और हमको गाड़ना भी पड़ता है इस खंभे को। देखिए इसी खंभे पे मैं लाइन बिजली का जो तार वाला है वो लाइन टांग के लाता हूँ। देखिए उधर का खंभा मैंने दिखा दिया आपको, और एक ये खंभा है और एक देखिए एक बोरिंग के पास भी एक खंभा है। तो चलिए अब चल के दिखाते हैं आपको बोरिंग की, बोरिंग है या चोरी हो गया। और देखिए यही मेरा एक छोटा सा बोरिंग है, और बोरिंग के आगे गड्ढा भी देख रहे होंगे, और ये गड्ढा इसलिए किया गया था कि गर्मी के दिनों में लेयर पानी का जो होता है लेयर वो नीचे चला जाता है, इस कारण से इस गड्ढे को खना गया था, क्योंकि गड्ढे 5 फीट नीचे यहाँ पे रिफ्लेक्स कसा हुआ और उसी से मोटर को नीचे करके और पानी लिया जाता है। और देखिए यही एक मेरा छोटा सा बोरिंग है, और देखिए आप सभी, और देखिए अंदर तो दिखाई दे रहा है कि पाइप भी है, और ये पाइप रहा और अंदर पाइप भी है, और अंदर मोटर भी दिख रहा है आप सभी को। देखिए मोटर भी दिखेगा अंदर, अंदर पाइप भी दिख रहा है, अंदर मोटर भी है। तो बोरिंग जो है ठीक है, चोरी नहीं हुआ है, और सामने वो रहा बोरिंग। तो आप सभी को आज का ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ तो मुझे ज़्यादा कोई लोग पसंद भी नहीं करते हैं, और छोटे से गांव का हूँ तो इस कारण से ज़्यादा कोई मुझे पसंद नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, ना ही मैं फ्लाइंग बीट्स हूँ और ना ही मैं सौरभ जोशी हूँ, मैं एक छोटा सा किसान हूँ और यही मेरा हर रोज का काम रहता है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय जवान जय किसान।